तो इस वीडियो में बात करेंगे कि पेटीएम मनी ऐप का बैंक अकाउंट अगर आप चेंज करना चाहे तो, अगर आप पेटीएम मनी डीमैट अकाउंट ओपनिंग क्या है, ट्रेड करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेटीएम मनी ऐप का बैंक अकाउंट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से आप पेटीएम मनी ऐप का बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। या अगर आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो, न्यू बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऐड कर सकते हो और ऐड करने की क्या प्रोसेस है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके लिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे पेटीएम मनी डीमैट अकाउंट ओपनिंग करके सारा प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पेटीएम मनी ऐप पे बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेटीएम मनी ऐप ओपन कर लेनी है। तो चलो हम अपना पेटीएम मनी ऐप को ओपन कर लेते हैं। ये पेटीएम मनी ऐप है, इस ऐप को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप अगर बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो किसी अदर बैंक अकाउंट से ताकि वो पेमेंट हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में अदर बैंक अकाउंट से पेमेंट हो, बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या फिर आप स्टॉक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैंक अकाउंट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे नीचे पे जाएंगे, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉर यू का, आप फॉर यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो भी बैंक अकाउंट लिंक है आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये अपना बैंक अकाउंट है, जैसे कि मेरा यहाँ पे पेटीएम मनी बैंक अकाउंट लिंक है इस अकाउंट पे, राइट। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले बैंक अकाउंट न्यू ऐड करनी होगी। तो न्यू बैंक अकाउंट सबसे पहले यहाँ पे अपना ऐड करेंगे, ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप में न्यू बैंक अकाउंट सबसे पहले ऐड करेंगे। तो चलो अपना बैंक अकाउंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज करने के लिए सबसे पहले न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अपना सबसे पहले आईएफएससी कोड डालेंगे, जो भी आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो उस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालेंगे। एंड यहाँ पे आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे अपना बैंक नाम आ जाएंगे, कौन सा बैंक अपना है, यहाँ पे अपना बैंक नाम आ जाएंगे, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से आप यहाँ पे री एंटर अकाउंट नंबर को डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर डाल के सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये अकाउंट नंबर अपना जो कि सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट जो कि यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ये बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप डिफॉल्ट बैंक अकाउंट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ नीचे पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आईएफएससी कोड सबसे पहले आपको अपडेट करना है, तो अपडेट आईएफएससी कोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अपडेट करने के लिए यहाँ पर टिक मार्क वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, राइट। जैसे क्लिक कर दें कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो जो डिफॉल्ट बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे अपना उस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड यहाँ पे आप डालेंगे। तो यहाँ पे चलो हम आईएफएससी कोड को डाल लेते हैं सबसे पहले। तो एंड आईएफएससी कोड डालने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना बैंक नाम आ जाएंगे कि किस बैंक का ये आईएफएससी कोड है। तो डिफॉल्ट बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको अपना इस बैंक का कैंसिल चेक अपलोड करने की, तभी आप कैंसिल चेक अपलोड करके डिफॉल्ट बैंक अकाउंट को आप अपडेट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर अभी तक कैंसिल चेक मेरे पास नहीं है, मेरे डाउनलोड करके नहीं रखा। आप कैंसिल चेक ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से कैंसिल चेक डाउनलोड कर सकते हो इस टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा कैंसिल चेक डाउनलोड नहीं है और मैं बैंक अकाउंट को अपडेट भी नहीं करना चाहता हूँ डिफॉल्ट बैंक अकाउंट को, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बैक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो, एक न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप ऑटो पे बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑटो पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए नीचे पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटअप ऑटो पे, सेटअप ऑटो पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो, ऑटो पे कर सकते हो जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है, जो मैंने न्यू बैंक अकाउंट ऐड किया है वो यहाँ पे लिंक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो बैंक अकाउंट लिंक किया है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऑटो पे मेरा सेट है। अगर मैं कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूँ ऑटो पे तो इस बैंक अकाउंट से वो पैसा कटेगी जो मैंने न्यू बैंक अकाउंट ऐड किया है उस बैंक अकाउंट से। तो इस तरीके से आप पेटीएम मनी ऐप पे न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट बैंक अकाउंट को अपडेट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट बैंक अकाउंट को भी आप अपडेट कर सकते हो। तो डिफॉल्ट बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए आपको कैंसिल चेक चाहिए तो कैंसिल चेक आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आप पेटीएम मनी ऐप पे बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो, एक न्यू बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो, किस तरह से आप न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो, क्या प्रोसेस है बैंक अकाउंट ऐड करने की, आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भी किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय।